बनाने जा रहे हैं अरबी के पत्तों के पकोड़े। इसके लिए सबसे पहले तो मैंने अरबी के पत्तों को नमक वाले पानी में आधे घंटे के लिए धोकर भिगो कर रख दिया था, क्योंकि अरबी के पत्तों में हल्का सा कांटेदार कसैलापन होता है, जिससे कि जब हम अरबी के पत्ते खाते हैं तो हमारे गले में खराश हो जाती है। उस खराश को मिटाने के लिए मैंने अरबी के पत्तों को धोकर नमक वाले पानी में आधे घंटे के लिए डिप करके रख दिया था। और अब हम ये पकोड़ों बनाने के लिए ना तो हम इसे स्टीम करेंगे, हम इसके मज़ेदार इंस्टेंट पकोड़े बनाएंगे। तो जो इसकी पीछे की डंडी होती है, इसे पहले अच्छी तरह हटा दीजिए, सारी डंडियों को। डंडियों को हटाने के बाद मैंने 1 कप बेसन लिया है और इसमें हम बारीक बारीक अरबी के पत्तों को काट लेंगे। सारे ही अरबी के पत्ते, मैंने 3 बड़े अरबी के पत्ते लिए हैं 1 कप बेसन में। इसे बारीक बारीक काटने के बाद साथ में हम एक प्याज लिया है मैंने, इसे भी स्लाइस करके बारीक बारीक इसी बैटर में डाल दूंगी। देखिए, बाकी पत्तों के पीछे भी ये मोटी सी डंडी है, इसे हम हटा देंगे और फिर हम अरबी के पत्ते को बारीक बारीक काटेंगे। सारे अरबी के पत्तों को बारीक बारीक काट लिया है, प्याज को भी स्लाइस करके डाल दिया है और इसे अच्छी तरह बेसन के साथ मिक्स कर लेंगे। ये तीनों इंग्रेडिएंट्स को आपस में अच्छी तरह मिक्स करने के बाद अब हम इसमें सारे मसाले डालते हैं। मसालों में नमक स्वाद अनुसार, थोड़े से चिली फ्लेक्स, 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर, अजवाइन, पिंच ऑफ हल्दी और साथ में अदरक लहसुन का पेस्ट। 1 चम्मच मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया। इन सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं और अब हम पानी को धीरे धीरे डालेंगे इसमें। थोड़ा सा पानी लिया है और धीरे धीरे पानी को मिक्स करते जाएंगे। इसे अच्छी तरह हाथ से मिक्स करेंगे। हाथ से मिक्स करने से जो बेसन है अरबी के पत्तों में अच्छी तरह मिक्स रस जाएगा। ये देखिए, इसका बैटर हमें ऐसे बनाना है कि जो बेसन है वो अरबी के पत्तों के साथ अच्छी तरह चिपक जाए। और अब हम इस बैटर को 10 से 15 मिनट के लिए साइड पे रख देंगे, जब तक हमारा तेल गर्म होता है। उसके बाद हम अरबी के पत्तों के पकोड़े बनाएंगे। इसे स्टीम करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, ये डायरेक्ट अरबी के पत्तों के पकोड़े बनेंगे। अच्छी तरह गर्म हो गया है और एक बारी दोबारा सारे इंग्रेडिएंट्स को मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करने के बाद ये देखिए, पत्तों ने और प्याज ने थोड़ा थोड़ा पानी और छोड़ दिया है। अब हमने इसको ऐसे थोड़ा सा रोल करना है। रोल करने के बाद इसे हमें डायरेक्ट घी में डालना है। और ये देखिए, इजीएस्ट वे, मिनटों में आपके अरबी के पत्तों के पकोड़े बनकर तैयार हो जाएंगे। सारे पकोड़ों को एक बारी कच्चा कर लीजिए। सारे पकोड़े डालने के बाद इसे आराम से एक बारी हिला दीजिए। मीडियम हाई फ्लेम पे पकोड़ों को धीरे धीरे अंदर तक पकने दीजिए। एक बारी कच्चे पकोड़े करने के बाद इसे हम दोबारा फ्राई करेंगे।
ये पकोड़े कच्चे हो गए हैं और सारे पकोड़ों को एक बारी बाहर निकाल लेते हैं। अब 5 से 10 मिनट बाद सारे पकोड़ों को दोबारा फ्राई करेंगे, या इसे आप बना के ऐसे रख सकते हैं और जब आपने इसे सर्व करना हो तो दोबारा इसे फ्राई कर लीजिए। हो गए हैं और घी भी दोबारा अच्छी तरह से गर्म हो गया है, तो एक बारी दोबारा हम इन पकोड़ों को फ्राई करते हैं। जो भी इनका कच्चापन है वो निकल जाएगा और हमारे मज़ेदार अरबी के पत्तों के पकोड़े मिनटों में बनकर तैयार हो जाएंगे। हमारे मज़ेदार अरबी के पत्तों के पकोड़े बनकर तैयार हो गए हैं। चलिए इन्हें एक बारी दोबारा निकाल लेते हैं सारे पकोड़ों को। और इसे गर्मा गर्म सर्व करते हैं। ये देखिए कितने मज़ेदार बने हैं अरबी के पत्ते के पकोड़े। गैस की फ्लेम को ऑफ़ कर दीजिए और इसे जल्दी सर्व करते हैं।